वैद्युत विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। ये माइनस क्यू प्लस क्यू से निर्मित एक वैद्युत विध्रुव है, अल्प लंबाई 2L है, सेंटर O। ये अक्षीय स्थिति है, यहाँ ये निरक्षीय स्थिति हो गई, इस पर हमने पहले निकाल लिया है। इस पर निरक्षीय स्थिति में अनुप्रस्थ स्थिति में भी हमने निकाल लिया है। अब हम निकालना चाहते हैं इसके अक्ष के साथ थीटा कोण बनाते हुए किसी इस बिंदु पर। तो हमने क्या किया, इस वैद्युत द्विध्रुव का वैद्युत आघूर्ण P माइनस क्यू से प्लस की ओर ये होता है। इसके हमने दो घटक कर लिए, एक घटक यहाँ से थीटा दिशा में ये हो गया P कोस थीटा, और इसके लंबवत ये दिशा इधर हो जाएगा P साइन थीटा। यानी P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P के दो घटक हमने कर लिए हैं, P का थीटा वाली दिशा में घटक P कोस थीटा और इसके लंबवत P साइन थीटा। अब हम क्या करेंगे, इस P साइन थीटा वैद्युत विध्रुव आघूर्ण के कारण इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। यहाँ से हम जानते हैं कि ये डायरेक्शन ऐसे होगी, तो ये इस दिशा में आएगी, इसे हम E 1 मान लेते हैं, और P cos थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ये है, इसकी दिशा में अक्षीय स्थिति में ये हो गया, इसे हम E 2 मान लेते हैं। तो इसके कारण E 1, इसके कारण E 2, दोनों का परिणामी इन दोनों से जाने वाले समांतर चतुर्भुज यहाँ आयत बनेगा, ये खींच लिया है, इनका परिणामी ये हो गया इस विकर्ण से। अगर ये E2 और E1 का परिणामी ये E2 के साथ, यानी यहाँ से R डिस्टेंस जिधर है, R ये दिशा है, इसके साथ अगर फाई कोण बनाता हो, परिणामी तीव्रता E, तो बस सीधी सी बात हो गई, वैद्युत द्विध्रुव ये है, इसका वैद्युत आघूर्ण P ये है, P का थीटा वाली दिशा में घटक P cos थीटा, इसके लंबवत P sin थीटा, इसके कारण यहाँ E1, इसके कारण यहाँ E2, E1 और E2 का परिणामी E, ऐसे निकाला जाएगा। इस P sin थीटा के कारण E1 चूंकि निरक्षीय स्थिति में है, और हम जानते हैं फॉर्मूला 1/4π0 के P बाई R क्यूब होता है, ये तो P की जगह P sin थीटा है, ये हो गया, जहां के इस वैद्युत द्विध्रुव के चारों ओर यहाँ परावैद्युत माध्यम का परावैद्युतांक है। अगर निर्वात अथवा वायु है तो K का मान 1 हो जाएगा। P cos थीटा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसी की दिशा में अक्षीय स्थिति हो गई, और अक्षीय स्थिति में 1/4π0 के 2π/r³ होता है, P की जगह P cos थीटा है, तो 2π cos θ/r³ ये हो गया। और E, E1 और E2 का एक तरह से ये आयत बना हुआ है, विकर्ण हो गया,
इसका मान ये ई मान इवन मान है तो इसकी वैल्यू भी इवन हो गई। तो ई का मान हो गया एक तरह से कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जमा लंब का वर्ग, तो ई का मान हो गया अंडर रूट ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर। और ई की दिशा आर की दिशा के साथ फाई कोण बना रही है, द्विध्रुव के केंद्र से आर दूरी मतलब यहां से आर की दिशा ये हो गई, तो इसकी दिशा के साथ इसकी दिशा आर की दिशा कह लीजिए ई टू की दिशा कह लीजिए के साथ फाई कोण बना रहा है ई का मान। तो टेन फाई अगर करें लंब बटे आधार तो टेन फाई ई वन बटे ई टू दिस अपॉन दिस। अब देखिए इसमें ये सब कॉमन है कैंसिल हो जाएंगे, पी भी कैंसिल हो जाएगा। दिस अपॉन दिस मतलब एक बटे दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, एक बटे दो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन अपॉन कॉस टेन होता है तो फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ टेन थीटा। और ई का मान हो गया हमारा कैलकुलेट कर लेंगे, ई वन स्क्वायर प्लस ई टू स्क्वायर इनका वर्क करेंगे जो कॉमन है बाहर निकालेंगे और ये ई का मान कैलकुलेट करके वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस स्क्वायर थीटा ये आ जाएगा। यदि थीटा बराबर जीरो तो एक तरह से ये अक्षीय स्थिति हो गई और ईवन का मान वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब अंडर रूट वन प्लस थ्री कॉस जीरो वन होता है, वन इंटू थ्री थ्री प्लस वन फोर हो गया, फोर का रूट टू हो जाएगा। तो इसलिए ई वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू पी बाई आर क्यूब। यदि थीटा 90 डिग्री हो यानी निरक्षीय स्थिति हो, कॉस 90 जीरो होता है, ये जीरो हो जाएगा, वन रह जाएगा, वन का रूट वन, तो केवल ये रह जाएगा। ई का मान जो कि ई टू दिखाया गया है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के पी अपॉन आर क्यूब। और हम जानते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन जीरो के टू पी बाई आर क्यूब होता है और निरक्षीय स्थिति में यहाँ पी अपॉन आर क्यूब होता है। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसानी से निकाली जा सकती है।